एक छोटा सा टुकड़ा यहां रख देने मात्र से आपके जीवन में प्यार का आगमन किसी भी सूरत में हो जाएगा। प्यार आना चाहता हो या नहीं आना चाहता हो, उसकी इच्छा हो या नहीं हो, तुम्हारा पार्टनर कुछ भी सोचता विचारता हो, तुम्हारी लव लाइफ में कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, छोटा सा नमक का टुकड़ा, खड़े नमक की बात कर रहा हूं, यहां रखना है मात्र, इतने भर से उसका पूरा स्वाद तुम्हारे स्वाद से परिणित होगा। जानिए वो तरीका कैसे उसे जबरदस्ती खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप जीते इसको सुनिश्चित किया जाता है। आपकी हर स्थिति को मजबूत करके, व्यवस्थित करके आपके लाइफ में रंग भरने का काम किया जाता है। यहां हर रिश्ते को बाखूबी समझते हैं। शादी हो नहीं रही हो, या शादी किसी और से हो रही हो, या मनचाहा विवाह करना हो, या विवाह के पश्चात आपको अपना पार्टनर चाहिए हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हर हाल में आप जीते इसका पूरा का पूरा प्रबंध किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हुए। यहाँ का सक्सेस रेट 96% और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ निकाल के आपको साधारण सहज तरीके से उपाय बताया जाता है। ये परिवार, ये कुटुंब, ये समुदाय बिल्कुल अलग है। यहाँ वो लोग हैं जो सच्चे प्रेम में हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनको सच में अपने पार्टनर के प्रति सच्ची निष्ठा है, वो लोग हैं। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे उन बेटे बेटियों का जीवन ठीक करने का काम मिला है, उनको दिशा बताने का काम मिला है, तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं दिशाविहीन थे और वो अपने सही मार्ग तक पहुंच रहे हैं, इसका सच में ईश्वर को बहुत धन्यवाद है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि छोटा सा नमक का टुकड़ा आपके अपने जीवन में प्रेम भर सकता है। नमक का संदर्भ है मंगल से, नमक का संदर्भ है शनि से, नमक का संदर्भ है शुक्र से। नमक अपने आप में एक ऐसी ताकत है कि वो निगेटिविटी समाप्त करता है। जनरली भी अगर अपने घरों में आप पोछे में नमक का इस्तेमाल करें तो आपके घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, ऐसी मान्यता है। इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग नमक का पोछा लगाते हैं। नमक अगर आप अपने किचन में, वॉशरूम में रखते हैं तो ऐसा करने से आपके अपनी लाइफ में वो सारी की सारी असुविधाएं समाप्त होने लग जाती हैं जो आपको रोक रही होती है। कहते हैं अपने जहां आप सो रहे हैं वहां अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में नमक को रखें तो वो जितना ज्यादा पसीज रहा है, सीज रहा है, उतना ज्यादा मानना चाहिए कि आपके घर की दिक्कतें हैं और वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। उसे चेंज करते रहिए हर चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, दसवें, जैसे ही वो खराब होना शुरू हो जाए। सिचुएशन ये है कि ये काम आपको तत्काल बेनिफिट देने का काम करता है। आज उसी दिशा में, उसी श्रृंखला में इन उपायों से इतर हटके आपको कुछ अच्छा बताने की बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि चाहे तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वो रिलेशनशिप चलना ही नहीं चाह रहा हो, चाहे तुम्हारा शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से वर्स्ट हो गया हो, चाहे तुम्हारी अपनी लव लाइफ 100% खराब हो गई हो, तुम जिससे विवाह करना चाहते हो, जिसके साथ तुम सच में अपना जीवन यापन करना चाहते हो, जिसको तुमने अपने सपनों में सब कुछ मान रखा है, अपने ख्यालों में उसे एक स्थान दे रखा है, अगर आप सच में चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, आप उसी के होना चाहते हैं, तो ये सोल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है और बेहतर तरीके से आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। आज का सोल्यूशन इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के उपाय होली के पहले करने से और भी ज्यादा इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। कोई भी उपाय, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी युति, कोई भी काम, यहां तक कि जब तक पूजा पाठ, सत्संग, अनुष्ठान, यज्ञादिक कोई भी कार्य, जब होली, दीपावली, ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनके मुहूर्त में किया जाता है तो इसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जपा सिद्धिर न संशया। कोई संशय नहीं है उस कार्य के संपूर्णता में अगर ऐसे कोई मुहूर्त मिलते हैं। होली एक पहला ऐसा पर्व है विश्व का जिसमें 15 दिन पहले से
देखो ध्यान से समझना, ये बात दीपावली के साथ नहीं है। होली एक विश्व का पहला पर्व ऐसा है जिसमें 15 दिन पहले से प्रयोग होना शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पहले से मांत्रिक तांत्रिक पुजारी पंडित बाधा महात्मा संत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी निरंजनी जितने भी दुनिया में लोग हैं, जो भी साधक साधना संपन्न लोग हैं, वो सब अपनी साधनाओं से संबंधित कुछ कुछ कार्य करने लग जाते हैं। आपको उसी दिशा में थोड़ा मूल्यवान बना रहा हूं, आपको उसी दिशा में थोड़ा धनवान करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप धर्म करते हो, जब आप सत्कर्म करते हो, तो बुरी चीजें कम होती हैं। अंधेरे और उजाले से समझो ना, उजाला बढ़ेगा तो अंधेरा अपने आप घटेगा। चकि दहाती प्रतिगृहणाती नान्यते सा प्रसीदति। साहब जो भी तुम दिशावत करते हो उसमें कहां संदेह रहता है, और गुरुमुख से हो, हाँ गुरु आदेशात्मक हो, गुरु के संरक्षण में रहकर कर रहे हो, चीजों को समझकर कर रहे हो, पढ़कर जानकर। देखो शिक्षित होना, साक्षर होना अपने आप में एक ताकत है, अपने आप में वो आपको मजबूती प्रदान करता है। और नहीं हो तो कम से कम गुरु ऐसा हो। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, सावधान उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक उन पंडित पुजारियों से भी, वो लाली लिपस्टिक लगाकर बैठी स्त्रियों से भी थोड़ा सावधान हो जाइए। श्रृंगार देखना नहीं है, सत्संग देखना है। ब्यूटी पार्लर का काम नहीं है, ये काम थोड़ा डिफरेंट है, ये साधना का काम है। यहां साधक चाहिए होता है, यहां साधना संपन्नता चाहिए होती है, और वो धर्म से आती है। धर्मम रक्षित रक्षता, बड़ी सीधी शब्दों में आपको कह रहा हूं कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम भ्रमित मत हो। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ है, यद्यपि बहुत फर्क पड़ा है कुछ सालों में, जब से हमने इस यात्रा का प्रारंभ किया है उसमें बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी और बहुत बाकी है। आप अपने आसपास में लोगों को जागरूक करिए इस चीज के लिए। देखना है तो अच्छी चीजें देखो ना यार, कौन मना करता है। किसी भी शिक्षित साक्षर को देखिए, दिक्कत नहीं है, पर कपोल कल्पित लोगों को मत देखिए, बनावटी लोगों को मत देखिए। खैर सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चले, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपसे जुड़ी और मैं आपसे पूजा करवाई तो मेरे पति मुझसे अच्छा से बात करते हैं, और लड़की औरत चक्कर से अभी दूर हैं। आपसे नहीं जुड़ी थी उससे पहले, मेरा पति मुझे एक चलती फिरती जिंदा लाश बना दिए थे मुझे, और पूजा करवाने के बाद अभी पूरी तरह से जिंदा हो गई हूँ मैं अभी। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरु जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत 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 धन्यवाद, तुमने इतने सारे शब्द कह के सच में खरीद लिया। यूं तो हम किसी मूल्य के थे नहीं, पर तुमने ये सब कह के मुझे मूल्यवान बना दिया, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो अब मैं सीधी बात कर रहा हूँ उपाय की, उपाय और सोल्यूशन में आज छोटे से नमक के टुकड़े से आपके अपने जीवन में परिवर्तन का संयोग संरचित करने का काम कर रहा हूँ। अब उस थोड़ा समझने की कोशिश करिए। करना तो यूं है कि आप जिस नमक के टुकड़े की बात कर रहे हो, अगर ये सेंधा नमक होता है तो आपको बड़ा पीस मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको सेंधा नमक लेना है, सेंधा नमक लेकर के बड़ा टुकड़ा लीजिएगा। इस सेंधा नमक के ऊपर ही किसी भी माध्यम से एक तरफ अपना और एक तरफ अपने पार्टनर का नाम लिख करके अपने इष्ट के मंदिर में उनके किसी भी मंत्र से, आप कुछ नहीं पता ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, मेरे इष्ट है, आप सबके भी हो सकते हैं, आप मानते होंगे वैसा, तो कुछ भी जो भी आपके इष्ट है उनका नाम बोल करके उनके चरणों में रख दीजिए। कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि कम से कम एक रात्रि उनके साथ में इस नमक को रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी पॉलिथीन होती है, प्लास्टिक होती है, उसके अंदर एक व्हाइट पेपर, बिल्कुल सफेद व्हाइट बिना लाइन वाला, उसमें उसको लपेट कर रख दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। आप इसे घर के किसी भी सुनसान जगह पे, आपका घर में जहाँ थोड़ा कम हलचल हो, जहाँ कम लोग जाते आते हो, या जिस जगह की यूटिलाइजेशन कम होता हो, जहाँ पर आप पुराने कपड़े लपेटे रखते हो, स्टोर इत्यादि में कहीं पर भी इसको चुपचाप रख दीजिए। अब आपको 7 दिन तक वेट करना है, और 7 दिनों के अंदर ही, वैसे तो पहला 7 सेकेंड, फिर 7 मिनट, फिर 7 घंटे, और फिर 7 दिन, ये लास्ट है 7 दिन के अंतराल में। कुछ लोगों को तो 7 सेकंड में ही हो जाते हैं,
कुछ के 7 मिनट में हो जाते हैं, कुछ के 7 घंटों में काम हो जाता है, जिनका इतने भी नहीं होता उनका 7 दिनों में काम हो जाता है। अब जब आप 7 दिन बाद इसे निकालेंगे, अगर उस पेपर पर किसी भी प्रकार की कोई आकृति बन गई है तो इसका मतलब यह है कि वो एक इंडिकेशन है और आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। तो बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ ये उपाय करना, ये अपने आप में बहुत कारगर है और बहुत आध्यात्मिक उपाय है। इसमें बहुत सारी शक्ति, बहुत एनर्जी, बहुत पावर होने की वजह से इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता होगी आपको। तो खूब मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उपाय करिए और मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और ठीक रहने की कोशिश करिए। जितना सकारात्मक रहेंगे उतना हम जीतेंगे जल्दी, हम मतलब आप और हम मिल करके। तो मैं रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी मत होना, किसी भी सूरत में अपना आपा मत खोना, धीरज रखना सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, किसी भी सूरत में अपने आप को खराब नहीं करना, बस अपने को ठीक रखो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।